अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करता हूँ कैरी कंट्रोल के एक नए लेक्चर के साथ अपने शाइन आई टी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि इंटरफेसेस और इंस्टॉलेशन हमने देख ली थी। इंटरफेसेस के हवाले से हमने देखा था कि हमारे पास मिनिमम दो नेटवर्क कार्ड होने चाहिए, एक होगा हमारा लोकल नेटवर्क और दूसरा होगा हमारा इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट होगा। तो हम देख रहे थे हमारे पास दो इंटरनेट है, एक हमारा इंटरनेट इंटरफेस है और एक हमारा लोकल इंटरफेस है। क्लियर है। आज हम देखेंगे ट्रैफिक रूल्स में, मीन्स कि हमने फायरवॉल इंस्टॉल कर ली, हमने इंटरफेस डिफाइन कर लिया, अब हम क्लाइंट साइड पे किस तरह इंटरनेट को अलाउ करवाएंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे चले जाना है, ये मेरे क्लाइंट कंप्यूटर पे ही हूँ, और उस पर आपने अपने नेटवर्क को असेस कर लेना, लोकल एरिया कनेक्शन को। आपने उस पर जाके इसके प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और IPv4 पर जाके डिफॉल्ट गेटवे जो फाइबर का IP है कैरियर कंट्रोल का वो है 2220 और हम DNS इसका गूगल का ऐड कर देंगे। ओके करते हैं और ओके क्रॉस। ये काम करने के बाद अब हम आते हैं और टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारे इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखें हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है, हम जैसे ब्राउजिंग भी करके देखते हैं, तो ये देखें हमारी इंटरनेट की ब्राउजिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स पे। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ, कैरियर कंट्रोल की जो ट्रैफिक है वो अलो होती है। तो जब ट्रैफिक रूल्स के अंदर आए हैं हम, तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं और डिफरेंट कलर्स इस इन पे हुए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो ऊपर टॉप पे जो आ रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लें कि जो रूट जो है वो जो असेस होता है वो टॉप से होता है, यानी कि जो रीड होता है वो टॉप से बॉटम होता है, यानी कि जो रूट आपको टॉप में मिल जाएगा उसको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अगर कोई रूट आपने सबसे ऊपर टॉप पे अलो करवा दिया और सेकंड रूट आपने ब्लॉक की दे दिया सर, तो वो जब भी असेस करेगा तो पहले पे ही फुलफिल हो जाएगा, तो वो उसकी ट्रैफिक अलो हो जाएगी। जैसे कि देखिए रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि सोर्स क्या है, इंटरनेट इंटरफेस और डेस्टिनेशन क्या है, फायरवॉल सर्विस कौन सी यूज़ होगी, 4.0.1 जो हम इसको असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और IP कौन सा होगा, वरीन कोई भी एक्शन क्या होगा इसको अलो होगा। इसी तरह VPN की है और वेब सर्विस है, इंटरनेट असेस है, नेट, ये सबसे जरूरी है इंटरनेट असेस नेट। देखें इस पे क्या आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है ट्रस्टेड लोकल इंटरफेस, गेस्ट इंटरफेस, VPN क्लाइंट, यानी कि कोई भी आए डेस्टिनेशन कहाँ पे जाए, इंटरनेट इंटरफेस पे जाए। इंटरनेट इंटरफेस पे जब जाए और सर्विस कोई भी यूज़ करे, IP वर्डिंग कोई भी हो, और उसकी ट्रैफिक को क्या करते, अलो करते। तो जैसे ही कोई भी बंदा इस पे हिट करेगा तो उसकी ट्रैफिक अलो हो जाएगी। इसी तरह नीचे लोकल ट्रैफिक है, फायरवॉल ट्रैफिक है, और सबसे लास्ट पे देखें ब्लॉक अदर ट्रैफिक, इनके अलावा कोई भी ट्रैफिक होगी कहाँ कहीं से भी आए कहीं भी जाए एनी और उसको ड्रॉप कर देंगे। मींस के सबसे नीचे है ब्लॉक का, यानी कि सब कुछ वो ब्लॉक कर रहा है, मगर इसके ऊपर जो है हमने अलो के रूट डिफाइन किए हुए हैं जिसकी मदद से हमारी ट्रैफिक अलो हो रही है और हम ब्राउजिंग कर पा रहे हैं। अगर आप कोई ब्लॉक करना चाहते हैं ट्रैफिक, तो आप यहाँ से इसको आप खुद से अपना रूट ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी को अलो करना है, ब्लॉक करना है, आप सब कुछ यहीं से करेंगे। तो हम अब एक रूट बना के देखते हैं, हम कहते हैं ऐड। ऐड जब करेंगे तो हम कहते हैं ब्लॉक 140, मीन्स के जो एक IP एड्रेस है 10.0.0.140, इसको हम ब्लॉक करवाना चाहते हैं। तो रूल टाइप क्या होगा, अलो डिनाई ड्रॉप, हम ड्रॉप करवाएंगे इसको नेक्स्ट करेंगे। और अब सोर्स कहाँ से आए, सोर्स पे हमने दे देना है एड्रेस, एड्रेस कौन सा देंगे उस कंप्यूटर का हम एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जिसको हमने ब्लॉक करना है। और डेस्टिनेशन कौन सी होगी, डेस्टिनेशन की जहाँ पे जाए, और जैसे ही वो हमारे इंटरनेट इंटरफेस पे जाए तो उसको वहाँ से ब्लॉक करते नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश। फिनिश करने के बाद देखिए हमारा सेकंड पे ये क्रिएट हो गया और उसको आपने यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो फिर ये रूल अप्लाई होगा और आपने इसको टॉप पे कर देना, यानी कि जैसे ही इस फायरवॉल पे असेस होगी सबसे पहले वो देखेगा रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड पे देखेगा ब्लॉक 140 जो IP एड्रेस है, इसके थ्रू इंटरनेट की ट्रैफिक जो ब्लॉक करवा रहा है। तो फिर नीचे जो अलो की असेस है वहाँ पर उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पर वो फुलफिल कर लेगा। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं, हम देखते हैं वेबसाइट ओपन करके देखते हैं, तो ये देखिएगा अब हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, किसी भी तरीके से ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इस रूट के थ्रू हम ट्रैफिक को अलो करवा सकते हैं और ब्लॉक करवा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये ट्रैफिक ओपन हो तो हम
डिफरेंट आईपी देख के देखते हैं। मैं कहता हूँ मैं 50, यहाँ पे हमने आईपी चेंज कर दिया इसका, हमने कर दिया 10.0.50.140। ओके और अब हम जाके देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट ओपन करेगा। तो ये देखें हमारा इंटरनेट प्रॉपर ब्राउज कर रहा है। हुआ क्या है, जैसे ही ट्रैफिक आई है 10.0.0.140 तो उसको सेकंड पे ये रूल मिल गया, यानी कि उसने टॉप से रीड करना शुरू किया तो उसको सेकंड पे मिल गया, तो उसने ब्लॉक, यानी कि हमने रूट पे डिफाइन किया था ब्लॉक, तो उसने ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, तो उसने थर्ड रूट या फोर्थ रूट की तरफ गया ही नहीं, उसने उसको रीड ही नहीं किया, उसने वहीं पर ही अपनी ट्रैफिक को कम्प्लीट कर दिया अपने। तो जब हमने इसको आईपी चेंज किया तो देखें सेकंड पे जो आईपी ब्लॉक हो रहा है वो डिफरेंट आईपी था, अब ट्रैफिक जो जा रही है वो डिफरेंट आईपी से जा रही है, तो इसलिए उसको जो असेस मिली है वो इस इंटरनेट असेस नेट रूट से मिली है, तो इस वजह से वो ट्रैफिक हमें अलो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रैफिक को अलो करवा सकते हैं और ब्लॉक करवा सकते हैं अपने ट्रैफिक रूट्स की मदद से। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की सोशल वेबसाइट हो गई, कोई डिफरेंट वेबसाइट, कोई आप एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई आप किसी भी किस्म के आप, यानी आप चाहते हैं कि इस ये वेबसाइट स्पेसिफिक कंप्यूटर या स्पेसिफिक यूज़र के लिए ब्लॉक हो, तो वो सारा कुछ हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।